फिलहाल जुई खुर्द के अंदर मौजूद में अपने बीवी बच्चों के लिए आशियाना बना रखे भाई, कमरे हैं दो तीन चार पाँच छः सात मध्य प्रदेश ये तो सब करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राजवीर कुमार और आप देख रहे हो जागरूकता मीडिया। साथियों फिलहाल जुई खुर्द के अंदर मौजूद हूँ भाई और देख सकते हैं आप, ये देखिए भाई कमरे में दिखा दे एक बार, श्री कृष्ण में प्रणामी आश्रम, इसके अंदर साथियों एक ऐसी अद्भुत चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप देख करके बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, हर इंसान जो है अपने लिए अपने बीवी बच्चों के लिए आशियाना बनाता है, लेकिन यहाँ पर पक्षियों के लिए भाई बहुत ही खूबसूरत जो है भाई आलीशान जो है पक्षी घर बनाया गया है। देखिए यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ, श्री कृष्ण प्रणामी वाचनालय जुई खुर्द भिवानी। ये एक बहुत ही मतलब पुराना जो है भाई श्री कृष्ण प्रणामी ट्रस्ट है भाई, बहुत ही पुराना जुई खुर्द के अंदर। और अंदर चलेंगे भाई, अंदर बताया जाता है कि बहुत ही बड़ा जो है भाई पक्षियों के लिए पक्षी घर बनाया गया है, जो कि कितने मंजिल है और किस किस ने बनवाया है वो तमाम बातें वहाँ पर जाने के बाद देखते हैं। तो ये भाई देखिए आश्रम है, इसके अंदर देखिए बहुत सारे जो है रूम्स बना रखे हैं भाई, कमरे हैं इसके अंदर, मतलब काफ़ी सारे लोग रहते भी हैं। और ये देखिए भाई ये जो जाल है इसके अंदर जो चबूतरा बनाया गया है, इसमें जैसे दाने वगैरह डालते हैं। और ऊपर भाई कैमरा में दिखा दे, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात मंजिला जो भाई पक्षी घर बनाया गया, काफ़ी खूबसूरत। देखिए आप काफ़ी खूबसूरत है भाई, बनाने वाले ने काफ़ी मतलब सोच समझ करके बनवाया है, यानी कि हर इंसान जो है अपने लिए खुद के लिए जीता है, उन्होंने जो है भाई पक्षियों के लिए जो है काफ़ी अच्छा कार्य किया। किसने किया इस पक्षी विहार का निर्माण? संत शिरोमणि श्री श्री 108 स्वामी सदानंद जी महाराज की प्रेरणा से सर्वज्ञ श्री ईश्वर दास मित्तल, BDOL मिल्स हिसार भाई, इनकी जो है BDOL मिल्स जो है भाई चलती है हिसार के अंदर, और उनके भाई धर्मपत्नी श्रीमती गीता मित्तल ने करवाया। एक भाई साहब मौजूद हैं, उनसे बातें करेंगे कि भाई आखिर ये कब से यहाँ रह रहे हैं और क्या कुछ फैसिलिटी है। राम राम भाई। राम राम जी। कहाँ से हो? मध्य प्रदेश MP। आपका नाम? उमाकांत दुबे। आप यहाँ क्या कर रहे हो? पूजा करते हैं बनारस मंदिर में। पूजा पाठ करते हैं। तो कब से रह रहे हो आप यहाँ? ये 3 महीने हुए अभी। 3 महीने हो गए जी। अच्छा, ये जो पक्षी विहार बनाया गया है इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? इसके बारे में तो कहेंगे बहुत अच्छा बनवाया जिसने भी बनवाया है, मित्तल जी ने बहुत अच्छा किया है। पक्षियों के लिए कोई नहीं बनवाता है घर, पक्षियों के लिए बनवाया है। और दाने अपने लिए तो सब करते हैं, मतलब बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन पक्षियों के लिए कोई नहीं करता है। तो उन्होंने बहुत अच्छा ही काम किया है, दाने की भी सुविधा किया है। अच्छा, यहाँ पर जो इतने जो रूम बना रखे हैं इनके अंदर कोई मतलब फ्री रहने की सुविधा है? किराए से रहते हैं इधर कुछ। किराए? हाँ जी। अच्छा, यहाँ जो प्रणामी मंदिर है इसके अंदर कितने पुजारी रहते हैं? एक ही पुजारी रहता है। आप ही जी। तो कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम क्या कुछ होते हैं इसमें? इसमें शादी वगैरह होती रहती हैं। अच्छा, तो जो सामूहिक जो विवाह होते हैं वो यहाँ पे होते हैं? अब ये तो इतना जानकारी नहीं मुझे। धन्यवाद। यहाँ के जो ट्रस्टी हैं नरेश जी हैं। और यहाँ पर रहने की सुविधा भी काफ़ी अच्छी है भाई, फैसिलिटी है, पानी की, रहने की, खाने की कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो आपको इस वीडियो के बारे में क्या कुछ करना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। राम राम।